अगर हम आपसे पूछेंगे कि बॉलीवुड में सबसे फिट एक्टर कौन है, तो जाहिर तौर पर आप सभी नाम लेंगे, अक्षय कुमार बहुत ज्यादा फिट एक्टर हैं। हम भी यही कहेंगे कि अक्षय कुमार बहुत ज्यादा फिट हैं, अपनी फिटनेस को लेकर कोई समझौता अक्षय कुमार नहीं करते। लेकिन आज हम अक्षय कुमार की फिटनेस पर कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्मों पर, क्योंकि अक्षय कुमार के सितारे इन दिनों बड़े गर्दिश में हैं। एक वक्त था जब अक्षय कुमार की फिल्में सुपर डुपर हिट होती थी, लेकिन एक वक्त अब ऐसा आ गया है कि अक्षय कुमार की फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही हैं। देखिए, उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है, कभी इंसान सफलता पाता है तो कभी जो है असफलता भी मिलती है। लेकिन इन सब के बीच मुकेश खन्ना बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं, शक्तिमान के जरिए जो है घर घर पहुंच चुके हैं, बड़े अभिनेता के तौर पर इनका नाम लिया जाता है। मुकेश खन्ना ने कहा है कि अक्षय कुमार इसलिए फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि वो फिल्मों का गलत सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो फिल्में वो चूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो उनके हिसाब से उनको ये फिल्में नहीं करनी चाहिए अक्षय कुमार को। मुकेश खन्ना ने कहा कि मैं और अक्षय कुमार एक साथ 6 फिल्में कर चुके थे। अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध जो आई थी उसमें मैं अहम किरदार में था, जबकि अक्षय कुमार जो थे उनका किरदार बहुत छोटा सा किरदार था। लेकिन उसी वक्त जब मैंने उन्हें सेट पर देखा और उनका डेडिकेशन देखा तो मैं समझ गया था कि ये एक दिन बॉलीवुड में बड़ा नाम बन के रहेंगे। लेकिन अब अक्षय कुमार की सिलेक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अक्षय कुमार बहुत बड़ी गलती करते जा रहे हैं। फिल्में करने के चक्कर में वो धड़ाधड़ फिल्में करने के चक्कर में जो है वो अलग जो जोनर की फिल्में कर रहे हैं जिसमें वो फिट नहीं आ रहे, जिनमें लोग उनको देखना पसंद नहीं करते। मुकेश खन्ना ने कहा कि कॉमेडी फिल्में बहुत ज्यादा करने लगे हैं अक्षय कुमार, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, क्योंकि वो शुरू से ही फिट हैं और शुरू से ही एक्शन मूवी बहुत ज्यादा लोग उनकी पसंद करते हैं, तो अक्षय कुमार को एक्शन मूवी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मुकेश खन्ना ने कहा कि एक बार मैंने ये सजेशन उन्हें दिया भी था, मेरी मुलाकात हुई थी उनकी वैनिटी वैन में, मैं उनसे मिलने के लिए गया था और तब मैंने अक्षय कुमार को ये बात कही भी थी। मैंने कहा था कि आज तुम्हारे दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, तुम्हारे पास फिल्में खुद चल के आ रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब फिल्में आनी बंद हो जाएंगी, तुम्हें खुद से काम ढूंढना पड़ेगा और इसीलिए ये सही वक्त है जब तुम्हें फिल्मों का सिलेक्शन बहुत ही बारीकी के साथ करना चाहिए। तुम जिस चीज में एक्सपर्ट हो तुम्हें उसी तरह की फिल्में करनी चाहिए। तुम कॉमेडी फिल्में कर रहे हो जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। हाँ, एक आध फिल्मों में तुम्हारी कॉमेडी बहुत पसंद की गई, लेकिन हर फिल्म में तुम्हारे उस रिपीटेड किरदार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो सही नहीं है। मुकेश खन्ना ने ये भी कहा कि मेरी बात शायद अक्षय कुमार को अच्छी नहीं लगी और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जिसके बाद मैंने कभी भी अक्षय कुमार से ना तो मुलाकात करने की कोशिश की और ना ही उन्हें समझाने की कोशिश की। मुकेश खन्ना यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अक्षय कुमार घुटनों के बल बैठ के नमस्कार किया करते थे, प्रणाम किया करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा है जब अक्षय कुमार को घमंड हो गया है और अक्षय कुमार अब बड़े एक्टर्स की, सीनियर एक्टर्स की रिस्पेक्ट तक नहीं करते हैं। वैसे आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा